हेलो यूट्यूब, आई वेलकम यू टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे, अगर आपकी होंडा ग्राजिया गिर जाती है तो आप कैसा डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरी गाड़ी अभी गिरी थी और इस साइड पे ही गिरी थी। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में भी दिखाया था, एक्सेसरी वाले वीडियोस में, कि आपको ये वाला गार्ड डलवाना चाहिए जिससे आपकी गाड़ी का प्रोटेक्शन यहाँ से हो पाए। तो मैं हैप्पीली ये चीज़ रिपोर्ट करूँगा कि गाड़ी जब इस तरफ हो गिरी तो इस पार्ट में कुछ भी नहीं हुआ, जो कि इस गार्ड ने इसको बचा लिया, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये बोल्ट थोड़ा अंदर आ सकता है, तो अगर आपको ये बोल्ट छोटा मिले तो आप छोटा लगवाइएगा यहाँ पे, जो ज़्यादा अंदर तक ना निकले। और प्लस जब ये गिरा था तो ये चीज़ टेढ़ी हो गई थी इसकी, तो इसको मैंने खोल के प्लास से सीधा किया, फिर लगा दिया इसे। और ये जो प्लास्टिक का जो पार्ट होता है ये वाला, ये बाहर आ गया था। और मेरा ये पार्ट जो है ये टूट चुका है, ये यहाँ पे स्क्रैच आ चुके हैं, ये देखिए ये पूरा पार्ट हिल रहा है। मैं इसको यूजुअली अब देखता हूँ क्या करूँगा, बट इतना अच्छा तो नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मिट्टी में गिरी थी, पर काफ़ी तेज़ गिरी थी, बट ये टूट गई। और इसमें दो जगह क्रैक्स भी हैं यहाँ पे, बट प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा कहूँगा कि फ्लेक्सिबल है, तो ये कि काम चलाया जा सकता है अभी भी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्क्रैच आ गया, पेंट निकल गया यहाँ से। और ये जो आपका जो होंडा का जो एम्बलम होता है, आपका जो स्टिकरिंग है होंडा की, ये स्टिकर घिस गया है यहाँ से, तो ये एक चीज़ ख़राब हो गई है। बाकी आज सच गाड़ी में इतना कुछ हुआ नहीं, गाड़ी के प्लास्टिक्स बहुत अच्छे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स है प्लास्टिक्स में, जो कि अच्छी चीज़ है। देखो आप देख सकते हो मैं इसको कितना ज़्यादा खींच दे रहा हूँ, कितने आराम से, और कुछ नहीं होता है इन्हें, तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखिए बहुत ज़्यादा खींच सकते हो आप, कुछ कुछ भी नहीं होगा इसे। एक ये साइलेंसर में थोड़ा सा स्कफ मार्क्स आए हैं, बट इतना तो चलता है। आई होप आपको मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। बॉडी की रिगार्डिंग, बॉडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर ऐसे गिरेगी गाड़ी तो इतना कम डैमेज होगा। मैं इसको खोल के अंदर से ग्लूगन लगा के सब सही कर दूंगा इसे, तो फिर ये अच्छे से होल्ड करने लग जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी मेजर एंड थम्स अप टू होंडा फॉर प्रोवाइडिंग दिस गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल इन दिस स्कूटी। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।